अच्छे लगे भाई। तो ये रहे इसके बिल्ड का, और तुम देख सकते हो भाई क्लोज से, ये देख लो भाई दोनों साइड, और इसका एरो टिप्स को टाइट कर। तो आफ्टर लॉक अपन ने भाई इसके अंदर को इंस्टॉल कर लिया है, ये देखो ये सेटअप रहेगा पूरा, देखो ऐसे कैसे समय भी आगे से गया था ये। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कम बैक टू चैनल, स्वागत है आपका फिर से करी थी वीडियो में। आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है भाई, वो हो रही है शाम से अपने घर से। लास्ट जो तुमने टू वीडियोस के अंदर देखा भाई, जो लास्ट के दो वीडियो थी अपनी, उसके अंदर अपन ने रैप किया, सेकंड वीडियो के अंदर अपन ने रिवील किया। तो आज है भाई थर्ड डे ऑफ मॉडिफिकेशन ऑन RS 200 इनटू अ फुल्ली मॉडिफाइड RS 200। तो भाई आज का जो डे है, आज को हम इसके बाद इंस्टॉल करने वाले हैं एक बड़ी सी चीज भाई, मतलब कि बहुत टाइम से अपन रैप वगैरह कर रहे थे, बट ये कि आज अपन इसके अंदर एक चीज इंस्टॉल करने वाले हैं। अपन ने पांच छह चीजें मंगवा रखी इस बाइक के अंदर, उसके अंदर से आज एक चीज इंस्टॉल करने वाला है और तुमको दिखाऊंगा आफ्टर और क्या रिजल्ट निकलेगा इसका। इसकी प्राइसिंग वगैरह, इसकी लिंक वगैरह सब कुछ तुमको सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वगैरह के अंदर। इसके अंदर रहने वाला है अपना व्हील कवर भाई, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने रील बनाई थी ना, जब इसके अंदर दिखाया था भाई, व्हील कवर रहने वाला है इसके अंदर, आगे और दोनों पीछे वाले टायर दोनों के लिए रहेगा भाई, कॉम्बो आता है ये। और इसकी प्राइसिंग वगैरह बता दूंगा, लिंक भी सबको सब कुछ दे दूंगा इस वीडियो के अंदर ही। तो भाई ये अपने व्हील कवर वगैरह सब कुछ ए टू जेड, इसके अंदर तुम इस पेजेस वगैरह सब कुछ मिलेंगे भाई। तो टाइम इसका आ चुका है कि इसके ऊपर अनबॉक्स करें भाई, तो यहाँ से अपन इसको हटाते हैं भाई। तो ये चीज अंदर अनबॉक्स कर ली, इसको अपन यहाँ से हटाते हैं और देख लो भाई, ये कुछ ऐसे डब्बे के अंदर आता है भाई, अपने यहाँ स्टूडेंट के हिसाब से बिल्कुल फिट है भाई ये, इनके साइज की जो टायर की साइज के हिसाब से अकॉर्डिंग अलग अलग आते हैं। अगर तुमको मंगवाए तो टायर की साइज वगैरह का ध्यान रखना थोड़ा, और मैंने अप्रॉक्स RS के हिसाब से मंगवाया था भाई ये, तो इसकी लिंक दे दूंगा, तो मुझे तुमको आराम से मिल जाएगी भाई। तो टाइम आ चुका है इसको अनबॉक्स करने का भाई। तो इसके अंदर भी प्रीमियम वाले कवर्स आते हैं भाई, मतलब मैंने पर्सनली, मैंने जब हाथ लगाए इनको तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे भाई। तो ये रहे इसके व्हील कवर, तुम देख सकते हो भाई क्लोज से, ये देख लो भाई इसके व्हील कवर है भाई पूरे टू जेड, ये रहे भाई देखो, ये इसके यहाँ से रैप हटाते हैं। तो ये इसके व्हील कवर है भाई, दोनों हाथ मतलब कि पैर के अंदर है, मतलब कि आगे के भी है इसके अंदर और पीछे के भी है भाई, सबसे बढ़िया बात तो ये है। तो दो साइड इसका आगे का है और दो साइड इसका पीछे का है, तो ये चीज़ अपन को इंस्टॉल करनी है। और ऐसा नहीं है इसके साथ पीछे वगैरह कुछ नहीं है भाई, इसके साथ पूरे पेज स्क्रू वगैरह सब कुछ है ए टू जेड, बस ये कि ये और इसके अंदर जिप टाइप वगैरह सब कुछ आइए भाई, ए टू जेड सारी चीज़ इंस्टॉल करने के लिए आई है। कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं है कि जो इसके साथ ना हो भाई, तुम देख लो यहाँ पे जिप टाइप वगैरह है और इसके पेजेस वगैरह सब कुछ इसके साथ ही है भाई। बट दिक्कत ये है कि इसके पेज वगैरह है ना, वो थोड़े सिल्वर है, तो उसके भी अपने पास एक इलाज है भाई, ये अपना स्प्रे पेंट ब्लैक कलर का, इसका स्प्रे पेंट लेके अलग से खरीद के, तो इन पे अपन करने वाला है ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट। इसके पेजेस वगैरह गोल्ड, ये जो शाइन कर रहे हैं सिल्वर, ये पूरे ब्लैक हो जाएंगे और ये अपने टाइप पर बहुत मस्त लगेगा। तो सबसे पहले अपन इसके एक एक चीज़ को अनबॉक्स करते हैं भाई और स्टार्ट करेंगे अपन आगे वाले टायर से भाई। तो आगे वाले टायर से अपन इंस्टॉल करने वाले भाई इन चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं, और सबसे पहले आगे वाले टायर के अंदर डालेंगे ये चीज़। और सबसे पहले उससे पहले तो भाई सबसे पहले इसके पेजेस को निकाल के मैं उन पर स्प्रे पेंट करता हूँ, उनको सिल्वर से ब्लैक पेंट करता हूँ। पेंट वगैरह कर लिया भाई, पूरा स्प्रे पेंट काम आ चुका है, बहुत सही चीज़ थी। अब इसको थोड़ी देर सूखने देंगे भाई धूप के अंदर, जिससे ये जो सारे इस पर पेचिस है ना, जिन पर ब्लैक कलर जो करना है बिल्कुल छड़ जाए। फिर उसके बाद अपने टायर के अंदर इंस्टॉल करेंगे इसको, लेकिन सबसे पहले इसको सुखाएंगे, फिर उसके तब तक थोड़ा 5 मिनट का वेट करते हैं, रेस्ट लेते हैं 5 मिनट का, फिर उसके बाद इन चीज़ों को हटाते हैं और इंस्टॉल करते हैं भाई। पेचिस वगैरह को पेंट कर लिया भाई यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे जिप टायर वगैरह ले लिए भाई, एक टायर पे दो जिप टायर वगैरह लगेगी। तो सबसे पहले अपन एक चीज़ को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं अपने टायर पे, और फिर जब मतलब कि ढंग से ये चीज़ रखनी है भाई, यहाँ पे जो ये है ना, ये अपने वॉल की साइड रहता है भाई, इसको इंस्टॉल करते हैं अपनी बाइक के ना, दोनों को एक एक साइड से इंस्टॉल करना है, यहाँ से एक को डालना है और इसको ऐसे इंस्टॉल करना है, देखो ऐसे करके जितनी यहाँ से चलेगी है ना, और दूसरी को भी ऐसे के ऐसे ही लगाना है। सबसे पहले अपन इनको इंस्टॉल करते हैं भाई, और फिर आफ्टर और रिजल्ट तुमको बताएंगे भाई, मतलब कि ये देखो ये वॉल की साइड को यहाँ पे रखना है ऐसे कैसे, जैसे मैंने रख लिया। अब इसी चीज़ को यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे अपोजिट लगाना है भाई, इधर की इधर ही, और इसको भी अपन सबसे इंस्टॉल कर लेते हैं भाई। तो ये भी अपने यहाँ से इंस्टॉल हो चुकी है बिल्कुल सेम टू सेम, और अब दोनों के अंदर पेचेस वगैरह दिए हैं जो अपन ने ब्लैक करा है यहाँ पे, जिनको डालेंगे इनके अंदर, और मतलब कि इसको बस लगाना है, वैसा कुछ नहीं करना, जिप टाइप वगैरह लगानी है दोनों साइड, और इस टायर पेचेस को टाइट कर। तो आफ्टर लॉपल ने भाई इसके अंदर पूरा इंस्टॉल कर लिया है, अभी ये देख लो तुम यहाँ पे जिप टाइप वगैरह लगा लिया है, वॉल को साइड में रख के यहाँ पे एक रिजल्ट, ये चीज़ यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर रिजल्ट तुम देख सकते हो उसका कितना मस्त लग रहा है, मतलब कि ये देखो तुम
मतलब कि बिल्कुल फिट है और रिम के साइज के हिसाब से बिल्कुल फिट है भाई ये, और प्लास्टिक का ज़्यादा हैवी भी नहीं है, सब चीज़ सही है। अब अपने जैसे यहाँ पे इंस्टॉल किया इसको, यहाँ पे अपने को अपनी जगह भी इंस्टॉल करना है भाई, अपनी जगह पीछे वाले टायर पर भी इंस्टॉल करना है, यही चीज़ सेम टू सेम अपने पीछे भी इंस्टॉल करनी है, मतलब वही क्राइटेरिया रहेगा और वही सेटअप रहेगा पूरा। देखो ऐसी कैसे जैसे मैंने आगे इंस्टॉल किया था, ये थोड़ा पीछे के हिसाब से छोटा है, लेकिन ये जैसे आगे और अच्छा लगेगा ना वैसे पीछे भी अच्छा लगेगा। जैसे अपने आगे का इंस्टॉल किया है और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जैसे मैंने पूरा कलर वगैरह किया, तो देखो जैसे कलर किया ना पेजेस पे, तो कलर और पेजेस वगैरह ना ऐसे ज़्यादा ब्राइट निकल रहे, अलग से नहीं दिख रहे, वैसे लग रहा है कि मैचिंग उनके साथ ही है। तो जैसा अपन ने अब आगे सेटअप किया वैसे का वैसे अपन को पीछे सेटअप करना। तो फाइनली भाई अपन ने पूरा इंस्टॉल कर लिया भाई, पूरे दोनों आगे और पीछे कवर को इंस्टॉल कर लिया है पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुआ, वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उसके पेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा टाइट थे जिससे टायर से खोले वगैरह ना। तुम्हारे साथ भी अगर तुम ऑर्डर करोगे तुम्हारे साथ ऐसा आएगा, सिर्फ टैग वगैरह कलर वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर सका। अब टाइम आ चुका तुमको दिखाने का कि भाई वो आफ्टर ऑल कैसे दिख रही है। तो भाई ये गाड़ी अपनी पूरी भाई साहब तुम देख लो पीछे पूरा इंस्टॉल करने के बाद। और मतलब ऐसा लगा कि बजट था भाई इससे पैसे खर्च करना, मतलब ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था और सही लगा इससे पैसे खर्च करना। मतलब मेरे को अप्रॉक्स पड़ा था ये 450 रुपए का अप्रॉक्स पड़ा था मेरे को ये, और बजट था भाई मतलब कि मैंने आगे भी स्टॉल किया पीछे भी स्टॉल किया, क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी थी और हैवी नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो ये है वरना मतलब कि ये चीज़ होती है ना बहुत ज़्यादा हैवी होती है, मेरे टॉप स्पीड को कम करती है, लेकिन ये कि हाँ ये चीज़ अच्छी थी मेरे खुद को पर्सनली अच्छी लगी भाई, इंस्टॉल करने में भी मज़ा आया और आफ्टर लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो मैं होप करता हूँ मुझे मॉडिफिकेशन वाली वीडियो अच्छी लगेगी, थर्ड पार्टी मॉडिफिकेशन का इससे पहले दो वीडियो आ चुकी है, अगर तुमने वो नहीं देखा तो तुम वो भी जाकर देख सकते हो। ऐसे ही कॉन्टेंट मेरे चैनल पर आता रहता है मॉडिफिकेशन के ऊपर, अपनी RS 200 के ऊपर, लो कॉस्ट मॉडिफिकेशन, बेस्ट मॉडिफिकेशन, एक्सपेंसिव मॉडिफिकेशन, सारी मॉडिफिकेशन मैं करने वाला हूँ और आफ्टर ऑल मतलब कि आगे जो 3-4 दिन आने वाले हैं उन पर अपन मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। और अगर तुमको ये चीज़ ऐसी अच्छी लग रही ब्लैक तो तुम इस पर डिजाइनिंग वगैरह बना सकते हो, अपने चैनल का नाम वगैरह लिखवा सकते हो, ये इट्स अप टू यू कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं इसको नॉर्मल रखने वाला हूँ, ऐसे नॉर्मल ये है क्योंकि मेरे को नॉर्मली ही ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो मैं होप करता हूँ वो वीडियो वगैरह को मेरी अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगा ना वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर जो गया चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं पहले तो कुछ लिख पाया।